आप सबका स्वागत है। अभी हमारे पास हमारे एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट हैं, विजय जी हैं, विजय साहब हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी मेहनती आदमी हैं विजय, बहुत मेहनत किया इन्होंने और इनको हम गाइड भी करते थे, अक्सर इनसे हमारी मुलाकात भी होती थी। बहुत सारी जगहों पे हम लोग मतलब एक साथ वर्क किया है, एक साथ रहे हैं। कई बार क्या है ना कि हम लोग वॉकिंग साथ में करते थे, फिर जिम भी किया हम लोगों ने कई बार साथ में, और उस दौरान बातचीत होती थी तो हमने काफ़ी गाइड भी किया। और अल्टीमेटली मैं हमेशा यही बोलता था कि आप सफल ज़रूर होंगे, थोड़ा टाइम लगता है, तो विजय जी सफल हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज के ज़माने में जब युवाओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंस्पिरेशन है, उनको लगता है कि जॉब मिलती ही नहीं है। और आप याद करो आप कितनी परेशानी में थे, कैसे जब आपसे बात होती थी मैं हमेशा बोलता था कि थोड़ा सा है टाइम, थोड़ा कि कभी क्वेश्चन में कुछ हो जाता है, कभी क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाती है, यही सब था ना इशू। लेकिन आज अल्टीमेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अपना अनुभव बताओ और तुम ये बताओ कैसे तुमने अचीव किया, कैसी कैसी परेशानी आई तुम्हारे साथ, और हाँ किस प्रकार विद्यार्थी तैयारी करें। तो धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। सर प्रथम मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको गाइडेंस तो ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप न्यू हो इस फील्ड में, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आ रहे हो और न्यू हो, तो गाइडेंस से ज़रूरी है आप, और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए, और डेडिकेशन और पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब में। तो डेडिकेशन और पेशेंस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज तैयारी कर रहे हो और आपको कुछ ही टाइम में जॉब मिल जाएगी। पेशेंस सबसे ज़रूरी है, और हार्ड वर्किंग तो अलग ही चीज़ है, उसके साथ तो आपको मतलब कि दो चीज़ रखनी ही चाहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। नेगेटिव रखोगे अपने को कि हम नहीं निकल रहे हैं तो फिर मुश्किल ही होता है हर किसी को। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि हाँ निकलेंगे, और उसके साथ हार्ड वर्किंग और पेशेंस, क्योंकि इसमें टाइम लगता ही है। और जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2019 से तैयारी करी थी, और फिर उसके बाद 2020 में तो लॉकडाउन लग गया था, 2021 में लॉकडाउन लग गया था, तो कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं हुए उस टाइम। और 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिए थे, काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें तो दो मेरे एग्ज़ाम मतलब कि कैंसिल हो चुके थे वीडियो का, और एक और था सचिवालय का, और उसके साथ ये एग्ज़ाम बच गया था तो मैं इसमें सिलेक्टेड था। फिर उसके बाद मैंने तैयार मतलब कि इसमें ज्वाइनिंग ली, और फिर अभी मैं थोड़ा मतलब कि बिजी हूँ तो मैं तैयारी कर नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं जो भी एस्पिरेंट है उनको यही बोलना चाहता हूँ कि सर के चैनल से जितनी जानकारी मिल सकती मिल रही है आपको, उसको ग्रहण करें और उनसे गाइडेंस लें। और सबसे ज़रूरी है आप सेल्फ स्टडी भी मतलब कि कभी भी मतलब कि कोई ऐसे नहीं हो सकता कि आपको सारी जानकारी दे। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ गाइडेंस लो, अच्छे से गाइडेंस लो, और उनके साथ मोटिवेट भी चाहिए, मोटिवेट भी रहो, और हार्ड वर्किंग और पेशेंस। ये नहीं हो सकता कि आपको आज फॉर्म आ रहे हैं तो एक महीने बाद ही एग्ज़ाम हो जाएगा, एक महीने बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आप बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अगर ग्रुप सी की और चीज़ों की बात करें तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। हमारे टाइम तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी, अब आप जो ये नए बच्चे हैं उनको तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके टाइम काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब जो हमारे आयोग के नए वो हैं वो काफ़ी फास्टली कर रहे हैं काम को, तो आप ये सोच लो कि आज ही से ही तैयारी करना शुरू कर दो अगर गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक हो तो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई वो नहीं है, पर हाँ अगर गवर्नमेंट तो आपको अच्छा चांस है इस टाइम, और पोस्टें भी आ रही हैं, और जैसा भी है अच्छा ही है, सब कुछ हो जाएगा अगर मेहनत करते हो आप खुद से। मतलब कि मेहनत करनी है, दिखाने के लिए नहीं करनी कि हम मेहनत कर रहे हैं, खुद ही करो चाहे कैसे भी कर रहे हो। बाकी यही बहुत बेहतरीन। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड कैसे रहोगे? देखो मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मूला ये है कि जो आपका गोल है ना उसके प्रति हमेशा कमिटेड रहो। जब तुम गोल भूल जाओगे ना डीमोटिवेटेड हो जाओगे। होता यही है स्टूडेंट के साथ, क्या होता है आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया ग्रुप सी आ गया, फिर उधर भाग गया, तो क्या होता है डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। किसी ने कहा भाई आईएएस की तैयारी कर ले, फिर पीसीएस की, ग्रुप सी की, फिर आर्मी की, फिर पुलिस की, फिर टीईटी
पीएचडी की, फिर किसी ने कहा बीएड कर लो, तो उससे डीमोटिवेटेड होते। देखिए एक बार जिस चीज़ को तुमने चाहा है, जो पसंद किया है, ये जापानी फार्मूला है, जो तुम जो तुम्हारी चाहत है ना उसके प्रति तुम्हारा अगर कमिटमेंट है ना तो तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ये फार्मूला है जी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब, इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा कि गवर्नमेंट जॉब में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तो कोई स्किल सीखो। आज की दुनिया में मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो मिलियंस टाइम्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मतलब क्या करें, समझ रहे हैं बात को, तो उसके लिए एक शब्द है जो मुझे कहना चाहिए, उसके लिए एक शब्द है कि शर्म से डूब मरो। कहते भाई क्या करें, यूट्यूब में नहीं देख रहे हो लोग, ये 9th क्लास के लड़के 10th क्लास के लड़के करोड़पति बन रहे हैं, लखपति बन रहे हैं। मेहनत करो भाई, बहुत स्किल है दुनिया में, स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, तुम देखा यूट्यूब चैनल खोलो, कुछ भी करो, मतलब रुको नहीं, मेरा ये कहना है। तो मैं तब भी जब भी विजय से मेरी मुलाकात होती थी, जब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब मैं यही कहता था लगे रहो, होगा, होना है। और मैं हर स्टूडेंट को यही होप देता हूँ, क्योंकि जानते हो होप जो है ना तुम्हारा, वही तुमको सक्सेस दिलाता है। होप से इंस्पिरेशन मिलती है, एक तो आपको गोल से इंस्पिरेशन मिलती है और गोल आपका होप बनाए रहता है, तो होप से इंस्पिरेशन मिलती है, और होप से इंस्पिरेशन मिलेगी तो पॉजिटिव पीपल से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। पॉजिटिव लोगों से के सामने रहो, निगेटिव लोगों से दूर रहो। निगेटिव लोग, अरे यार जॉब अब कहाँ है, क्या, अरे जॉब कहाँ है ये बताओ, ये कल मिलते थे तो जॉब नहीं था, आज है ना जॉब, तो जॉब कहाँ है। मैं ऐसे एक नहीं, इस चैनल पे कम से कम बहुत विद्यार्थियों का इंटरव्यू है इस चैनल पे, आप देख लो जॉब कहाँ है। तो ये आप सबसे मेरा ये कहना है कि ज़्यादा भटके नहीं, आप सही गाइडेंस में तैयारी करें, हमारे गाइडेंस में तैयारी करें। बहुत स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो कमिटेड रहें। और एक चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा किताबों का टीचर के दौर में ना रहें, किताब के भी चक्कर में रहते हैं, ये वाली खरीद ले, वाणी प्रकाशन, ये लूसेंट, अरे एक कोई अच्छी किताब ले लो। वीडियो का मेरा संग्रह है, कोई भी बंदा अगर तैयारी करना चाह रहा है तो जैसे GK बेसिक कोर्स है, ग्रुप सी के, आर्मी के, सब मतलब एक आप कोई कोर्स ले लो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। नेट की है, IAS की है, PCS की है, BPSC टीचर में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं हमारे इस बार, फिर दरोगा का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, वो सारी बहुत सारे, चूँकि कमेंट से पता चल जाता है हम लोगों को। तो आप जो है ना एक कोर्स इस चैनल पे के प्लेलिस्ट को आप जा करके देख लीजिए, उस प्लेलिस्ट पे जितनी वीडियो, जैसे GK बेसिक कोर्स मैं कहता हूँ सारे के लिए, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस के लिए, इस तरह का जो बेसिक है, 40 वीडियो को कर लीजिए, और उस 40 वीडियो कर लीजिएगा तो आप एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए, तो ये काम कीजिए। तो धन्यवाद बहुत बहुत विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और मुझे ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलता है, और ये एक प्रूफ है कि भाई आप ये कहते हैं कि जॉब नहीं है, ये है, फलां है, इन सारी चीज़ों को आपको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।